प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज का दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं और ये मौके जब कि हमें एक दूसरे को मिलने के मौके मिलते हैं, यही मौके ऐसे मौके होते हैं जिनके ज़रिए हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने लगती है। कबीर साहब ने फरमाया कि हम अपने सद्गुरु के दर्शन एक बार ही नहीं, दिन में हजार बार करें, क्योंकि कब हमें क्या मिलता है, कब हम पर बख्शीश होगी, कब हमारी डोर तेजी से खींची जाएगी, ये हम सब की समझ से बाहर है। हमारे सद्गुरु का प्यार, उनका खिंचाव हमारे और कैसे आता है, ये शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। सत्संगों के जरिए महापुरुषों ने हमें समझाया है कि क्या क्या हमें मिल सकता है, लेकिन कैसे मिलता है और क्या क्या हमारी ज़िंदगी में ढलता है, वो जब तक अनुभव ना किया जाए तो पढ़ लिख के उसकी जानकारी इंसान को हो नहीं सकती। समझ हमारी सही हो सकती है, लेकिन अनुभव जब तक ना हो तब तक रूहानी दुनिया में हमारी तरक्की नहीं हो सकती। प्रभु को पाने का रास्ता कोई मन या बुद्धि या विचारों का रास्ता नहीं है, ये ऐसा रास्ता नहीं जिसमें कुछ समझ कर, कुछ दिमाग को तेज कर कर, उसकी जानकारी को बढ़ाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। एक बच्चे को अपने माँ बाप से क्या मिलता है, वो भी शायद किसी किताब में बयान सही तरीके से कभी भी ना किया जाए। हालांकि लाखों करोड़ों बच्चे इस धरती पर, हम सब किसी न किसी समय पर तो बच्चे होते ही हैं, हमारे अनुभव अपने माँ बाप के साथ हर एक के सृष्टि की शुरुआत से बहुत से हुए हैं, लेकिन उनका निचोड़ उनको किसी किताब में लिखा नहीं जा सकता। और ये जो मई का महीना है, इसका जो दूसरा एतवार आता है, इसमें पिछली बाहर के देशों में पहले मदर्स डे मनाया जाता था और अभी तो हिंदुस्तान में और कई जगह पे मनाया जाता है। और जो जून का तीसरा संडे होता है, तीसरे हफ्ते का एतवार है, उसको फादर्स डे मनाया जाता है, अपने पिता के जरिए क्या इंसान को मिलता है। और जब संत दर्शन सिंह जी महाराज बाहर के दौरे पे गए और जब इन दोनों सेलिब्रेशंस का, इन मौक़ों की भारी रूप से जानकारी उन्हें मिली, तो उन्होंने कहा कि जुलाई का जो चौथा संडे है उसे हम मास्टर्स डे मनाएं, उसे हम अपने सदगुरु का दिन मनाएं, क्योंकि जिस साल में वो थे उस साल में उसी एतवार को उनके सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का जन्मदिवस था। बाहर के मुल्कों में कहावत है कि क्योंकि प्रभु शायद उन्हें लगता है सब जगह ना हो, इस करके माताएं बनाई गई हैं। एक माता के जरिए एक बच्चे के लिए बहुत कुछ खुलता है। ये जब छोटा सा बच्चा होता है, उसकी संभाल करना, उसका ख्याल करना, उसको अपनी सभ्यता के बारे में समझाना, खाना कैसे है, पीना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है, उसको जानकारी देना, ताकि वो बच्चा इस धरती पर सही तरीके से जी सके,
उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा एक मां का होता है। एक मां का प्यार अपने बच्चे के लिए, जब बच्चा कैसा भी हो, इतना ज्यादा होता है कि मां अपना सब कुछ छोड़कर यही कोशिश करती है कि उसका बच्चा बेहतर हो, उसे तकलीफ ना हो, उसकी जिंदगी आराम से गुजरे। लेकिन बच्चे चाहे जितनी मर्जी शरारतें करें, चाहे बच्चे बार 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 गलतियां करते चले जाएं, लेकिन माँ का प्यार किसी बच्चे के लिए कभी कम नहीं होता। एक वाक्य 1980s का है। एक हवाई जहाज था, उसका क्रैश हो गया। उस क्रैश में, जनरली हवाई जहाज का अगर क्रैश हो तो उसमें किसी का बचना बहुत ही मुश्किल होता। तो जब उसकी डेब्रीज उन्होंने इकट्ठी करी तो देखा कि जहां क्रैश हुआ, जहां हवाई जहाज गिरा था, तो कोई सोचता नहीं था कि कोई बचेगा। तो जब वहां पर जान पताल हो रही थी तो उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनने को मिली। पहले तो सबने सोचा शायद बच्चा, अगर हवाई जहाज का कुछ चीज गिरी है, किसी कार से एक्सीडेंट हो, उसमें से होगा। लेकिन जब उन्होंने उसकी जानकारी की तो पता लगा कि बच्चा उसी फ्लाइट में फ्लाई कर रहा था। तो उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी कि बच्चा बच कैसे गया। हवाई जहाज जो हवा में अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो उसमें बचना बहुत मुश्किल है। तो जब उन्होंने जानकारी की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जब लग रहा था कि ऊपर तूफान आ गया और बहुत हलचल हवाई जहाज में हो रही थी, तो जो बच्चे की मां थी उसने अपने शरीर से बच्चे को कवर किया। उन्हें अपनी सीट से उठ के बच्चे को अपने गोद में लिया, ऐसे लिया ताकि अगर हलचल हो तो सारा शॉक माँ को लगे और बच्चे को ना लगे। और इसी कारण जब इतनी हलचल हवाई जहाज में हुई, वो बच्चा फिर भी बच गया। तो एक माँ अपने ऊपर हर किस्म की तकलीफ ले लेती है ताकि उसके बच्चे को आराम मिले। और हर एक माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सही हालत में हो। अब जब हम इस धरती में देखते हैं कि किस किस्म का रास्ता हमें कोई दिखा सकता है, तो हम देखते हैं कि दो किस्म के रास्ते हैं जिस ओर हम अपना कदम बढ़ा सकते हैं। एक रास्ता तो वो है कि जिसमें हम इस दुनिया में जिसमें हम आए हैं उसकी हम जानकारी ज़्यादा पाएं, हम जाने कि दुनिया में हम किस तरीके से अपने आप को सही तरीके से रख पाएंगे। और जहाँ भी रहते हैं, जिस सभ्यता में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, उसकी जानकारी पाते हुए जो जो चीज़ें हमें सीखनी हो उन्हें सीखें और फिर इस दुनिया में अपने आप को सही तरीके से रखें। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि जिंदगी का मकसद यही है, और फिर चाहे कोई माँ हो चाहे बाप हो, वो अपने बच्चों को उस ओर डालना शुरू कर देते हैं। और फिर एक रास्ता और है जो ये है कि अपने बच्चों को हम जो जिंदगी का मकसद है उस ओर लेके जाएं, उन्हें समझाएं कि जिंदगी का सही मकसद क्या है, अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, और फिर उस रास्ते की ओर उन्हें बढ़ाते चले जाएं। अब इस ओर जाने के लिए पहले तो जरूरी है कि हमें खुद समझ में आए कि इन दो रास्तों में से हमने कौन सा अपनाना है। अगर हम खुद दुनिया की चीजों
कि जानकारी को ही सब कुछ समझेंगे, और जो काल का दायरा है, जो निचले तीन मंडल हैं, उनको ही सब समझेंगे, तो फिर काल के दायरे के अंदर ही हमारी जिंदगी गुजरनी शुरू हो जाएगी। और अगर हमारी समझ में आ गया कि पिता परमेश्वर ने बहुत बड़ी देन दी, चाहे हम माता हों चाहे पिता, कि हमारी फैमिली में एक रूह को भेजा है और उसको भी मौका दिया है ताकि वो रूह जो 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पा सके, तो फिर हम उस बच्चे को प्रभु की ओर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हर एक माँ जितनी जितनी उसके अपने अनुभवों उसी लिहाज से अपने बच्चों को समझाती सिखाती है। उसका दिल बड़ा नरम होता है, वो चाहती है कि जो उसने अनुभव किया है जिंदगी में उस और उसके बच्चे चढ़ें। तो एक माँ बाप की समझ से ही होना बहुत जरूरी है। वो भाई बहन जिनकी जिंदगी में किसी संत महापुरुष की नजर करम पड़ी, जिनकी जिंदगी में उन्हें किसी महापुरुष से प्रेम मिला, वो फिर उस प्रेम का अनुभव करते हुए यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उस रास्ते पर चले। हम में से कई सत्संगी भाई बहन हैं जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज का प्यार मिला। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें इन महापुरुषों ने नाम की देन दी, जो असलियत है उसको दर्शाया और प्रभु को पाने के रास्ते पर हमें चलाया। तो हम सब की यही ख्वाहिश होगी कि हम अपने बच्चों को भी उस रास्ते पर आगे बढ़ाते जाएं। अब बच्चे जरूरी नहीं कि वो सब कुछ करें जो उन्हें माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि माँ बाप का प्यार बच्चों को मिले नहीं। बच्चे शैतानियां भी करते हैं, नटखट भी होते हैं, अलग अलग चीजें भी करते हैं, लेकिन एक सच्ची माँ सच्चे बाप यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी समझ के लिहाज से बच्चों को सही रास्ते पर लगाते चले जाए। जैसे जैसे हम खुद अपनी जिंदगी में सद्गुणों को ढालेंगे, जैसे जैसे हम खुद प्रभु को पाने के रास्ते पर चलेंगे, जैसे जैसे असलियत का अनुभव हमें होगा, वैसे ही हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे सच बोलें, हम चाहें कि हमारे बच्चे अहिंसा के रास्ते को अपनाएं, हम चाहें कि हमारे बच्चे नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, तो फिर ये जरूरी है कि हम भी इन सद्गुणों को अपनी जिंदगी में डालें। अगर हमें समझाया गया है कि रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करना बड़ा जरूरी है, और अगर हम खुद नहीं करेंगे तो फिर हम अपने बच्चों को वो जो कुछ हमें मिला है वो दे नहीं पाएंगे। हवाई जहाज में भी जब इंसान उड़ता है, और आजकल के टाइम में तो आप में से कई हवाई जहाज में गए होंगे, तो जब वो शुरू शुरू में इंस्ट्रक्शन देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ हो तो ये दरवाजा इधर है, बाहर निकलने का ये दरवाजा इधर है, दरवाजा इधर है, और फिर क्योंकि हवाई जहाज के अंदर जो हवा है वो कंट्रोल्ड होती है, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ऑक्सीजन की कमी पड़े तो वो यही समझाते हैं कि पहले आप ऑक्सीजन अपने मुंह पे लगाइए, तभी आप किसी और की मदद करने के लायक हो गए। तो अगर हमने किसी की मदद करनी है, अपने बच्चों की मदद करनी है, तो पहले
हमें अपनी जिंदगी को सही करना होगा। एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए इतना होता है कि वो सब कुछ उसके लिए करती है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि पहले अपनी जिंदगी को सही करे। अगर उसकी जिंदगी सही नहीं हुई तो जो रास्ता वो अपने बच्चों को दिखा रहे हो कभी सही नहीं होगा। तो प्रार्थना प्रभु से यही हो कि हे प्रभु, जो मेरे लिए सही हो मेरी जिंदगी में वो ढले। और जब हम सही रास्ते की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि बाकी सब चीजें हमारे आसपास, हमारे रिश्ते नाते, हमारे रिलेशनशिप्स, पति पत्नी में, भाई बहन में, फैमिलीज में, सब बेहतर होते चले जाएंगे। क्योंकि अगर हमारा रास्ता सही हो गया तो फिर और सब चीजें हमारी जिंदगी में एक एक करके सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत जरूरी है कि इंसान खुद अपने आप को जाने। बार 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 संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, हे इंसान तो अपने आप को जान, कि मैं नो दर, कि हम जाने कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ क्या है। हम जाने कि वो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है। हमारी जिंदगी ऐसी ना हो कि हम सोचें कि पिता परमेश्वर शायद थोड़ी देर के लिए यहां है, थोड़ी देर के यहां है, थोड़ा ध्यान उनका, यहां थोड़ा ध्यान यहां है। एक टेल कुछ बच्चों की है। एक माँ थी, उसके बहुत से बच्चे थे। फैमिली काफी बड़ी थी, क्योंकि फैमिली बड़ी थी तो जब वो घर में खाना बनाती थी, खाना लेके आती थी, तो उसको बांटने में उसको सुनना पड़ता था कि सब बच्चों को कैसी बांटी जाए ताकि सबको मिल जाए चीज। तो वो बड़ा सोच समझ के अपनी तरफ से बच्चों को चीजें बांटती थी, उनको समझाती थी कि ये तुम्हारा ऐसा है, ये तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा, तुम ऐसा नहीं करो। लेकिन बच्चे शरारती होते हैं, कोई ना कोई एक ही जगह दो चीजें ले लेता था, कोई ज्यादा लेने की कोशिश करता था। तो एक बारी घर में बहुत से केले आए, तो उसने देखा कि जितने बच्चे हैं उतने केले थे, तो उन्हें सब केले जो घर का किचन का काउंटर वहां पर रख के और एक साइन लगा दिया कि प्लीज टेक वन बनाना ईच बिकॉज गॉड इज वॉचिंग यू, कि आप एक एक ही केला लेना, प्रभु आपको देख रहा है। तो सब बच्चे जब सुना कि प्रभु देख रहा है, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं ना कर सकता, सबको लगा प्रभु देख रहा है, तो एक एक केला ले रहे थे। और उसी दिन उस माँ ने, जब बाहर के टीचर होता है, इंडिया में भी यही होता है कि घर में कोई कुकीज बना रही थी, वो बिस्कुट तो गर्म गर्म ओवन में से निकाले, जब उन्हें निकाले तो यहां किचन, तो उसने डाइनिंग टेबल पर रख दिया ताकि ठंडे हो जाए। उसको लगा अभी ठंडे होंगे फिर मैं कुछ साइन लगा के इनको खिलाऊंगी। तो कुछ काम में लगी थी, तो थोड़ी देर बाद आई तो देखा तो एक साइन बच्चों ने उस पर लगा दिया, कहा कि टेक एज मेनी कुकीज एज यू वांट बिकॉज गॉड इज वॉचिंग द बनानास।